फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपके मेरे इस कविता गुप्ता कुकिंग टिप्स में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि चिकन लॉलीपॉप आपको घर पे कैसे बनाना है। चिकन लॉलीपॉप इतना टेस्टी लगता है खाने में कि अगर आप एक बार इसे खाएं तो आप KFC का चिकन फ्राई खाना भूल जाएंगे। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी, अगर आप उन टिप्स का ध्यान रखते हुए चिकन लॉलीपॉप बनाएंगे तो आपके भी चिकन लॉलीपॉप बहुत टेस्टी बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Thank you.
देख ही लिया होगा। तो चिकन लॉलीपॉप बनाने से पहले चिकन्स को मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए 8 से 10 घंटे का टाइम हमें चाहिए। अगर आपको दिन में बनाना है तो आप रात में मैरिनेट करके रख दीजिए, शाम को बनाना है तो मॉर्निंग में ही मैरिनेट करके आप फ्रिज में रख दीजिए। लेकिन हाँ, फ्रिज में अगर आप रखें तो उसे ढक के नहीं रखना है, ओपन ही बाउल आपको फ्रिज में रख देना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि आपको इसमें ब्रेड क्रम्स का यूज़ करना है। अगर आपको ब्रेड क्रम्स आपके घर में नहीं है तो कैसे बनाना है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो वीडियो 2 मिनट का है, आप उसे ज़रूर देखें। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात कि चिकन फ्राई जब आप कर लें तो उसके बाद आपको सॉस बनाना है। ये कोई अलग तरह का सॉस नहीं है, जो आप मंचूरियन के लिए जो हम सॉस यूज़ करते हैं उसी से मिलता जुलता सॉस है, बस एक दो इंग्रेडिएंट्स इसमें थोड़ा ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो आप भी इसको बनाइए, बनाने में बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं है, और इसको फिर फ्राई करने के बाद अच्छे से इसको कोट कर दीजिए, क्योंकि यही टेस्ट उसका बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी ये टिप्स, कैसे लगा ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी ज़रूर करें। तो मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।